है मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर का जो है फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के एक्शंस क्या है। और ये स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए है। सन मून राइजिंग साइन है, आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ चाहे नेम के अनुसार जैसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग अभी भी जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। साथ ही साथ याद रखना कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थीटा पे ध्यान नहीं दिए, ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे दे। ये रीडिंग अगस्त 1 से अगस्त 7 तक के लिए वैलिड है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे भी जो व्यूवर्स हैं स्कॉर्पियो राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त 1 से अगस्त 7 तक क्या होने वाली है। स्ट्रेंथ 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी जस्ट सी, बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज अगस्त 1 से अगस्त 7 तक स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अगस्त 1 से अगस्त 7 तक स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। फाइनेंसेस एंड करियर एंड अट्रैक्शन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस समय आप अपने पुराने लव या एक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उन पे ज्यादा ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप उनको ध्यान दे भी रहे हैं लेकिन ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, आप उन पे ज्यादा फोकस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज आपको अपने पार्टनर के साथ काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसमें आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर जैसे आपको लेकर ऑब्सेस्ड होते हुए और आपको लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी तरीके के रिएक्शन का वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखकर बैठे हैं बट आप रिएक्ट करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी और काफी हद तक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा मिली है आपके पार्टनर के साइन हाइलाइटेड जो है, और मुझे काफी स्ट्रांगली उनके जो नंबर्स हैं 21, 3 या 7 नंबर या 11 नंबर, इस तरीके के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, ये हाइलाइटेड नंबर्स हैं। काफी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने एक फेस पे मास्क पहना है जहां पर आप अंदर क्या सोच रहे हैं वो दूसरों को बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बार बार के आर्ग्यूमेंट्स और इश्यूज से बहुत ज्यादा थक चुके हैं, आप उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते या आप उन्हें नहीं दिखाना चाहते कि आपके मन में क्या है, आपके लिए फीलिंग्स आप उनकी उनके लिए फीलिंग्स जो है छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज आप उनके जो बिहेवियर है जब वो आपको बार बार ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक करते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस वक्त अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान इस वक्त अपने गोल्स पे है, अपने अचीवमेंट्स पे है, आपका ध्यान काफी ज्यादा अपनी जिंदगी के आने वाले समय पर है, आप फ्यूचर को लेकर ज्यादा मुझे काफी हद तक फोकस दिखाई दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ स्टेप्स लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, शायद वो आपको जितना भी कुछ समझाएं या जितना भी आपको कुछ एक्सप्लेन करें आप उन्हें गलत ही लेने वाले हैं, आप उन्हें गलत ही समझने वाले हैं, इसलिए उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो रही है। तो इससे अच्छा उन्हें निकल जाने में ही भलाई है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करेंगे या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना शुरू करेंगे। हालांकि ये जो भी सोच विचार करेंगे कि ये आगे बढ़ जाए, अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें या ट्रैवल करें, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आप ही के बारे में फिर से सोचेंगे और खुद को बहुत स्टक फील करेंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि उनके लिए आपके बिना आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त काफी ज्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ और ऐसा मिस कर रहे हैं जैसे कि आप उनको समझ नहीं पा रहे, उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी की न्यू अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करने पे मुझे कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो आपके पार्टनर जो है ऐसा मान चुके हैं कि आपकी जिंदगी में या तो कोई और व्यक्ति है जिसपे आपका फोकस है या तो आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके कारण वो व्यक्ति आपको ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं और आपके साथ जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो खुद फिर भी खुद को स्टक फील कर रहे हैं, इस एनर्जी में वो फिर भी खुद को स्टक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको लेकर अब लव नहीं एक्सप्रेस करते, आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहे आपसे कितना
जितना भी लड़े अब आप उनको मनाते नहीं है, वो चाहे अभी कुछ भी करें आप उनके लिए आते नहीं है, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि सारे स्ट्रगल्स और सारी चीजें जो वो कर रहे हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रही है, वो सिर्फ वही वही कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुद को परेशान और तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में आपसे तकलीफें फेस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिजी होंगे और उनको किसी प्रकार का धन लाभ और ढेर सारा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज्यादा धन अपनी जिंदगी में प्राप्त करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। इनका काम अचानक बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और अचानक से इनकी बहुत ग्रोथ होगी, जिससे ये आपकी जिंदगी में फोकस करना बंद कर देंगे, आपको ध्यान देना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ में अपने तरफ अपने आप को फोकस करेंगे। यहां पर मुझे दिखाई दे रही है कि यहां पर जहां पर आप अचानक से इनमें इंटरेस्ट लेने लगे, अचानक से आप इनके बारे में सोचने लगे, वहां अचानक से आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी तरफ से दूर भाग रहे हैं, आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आप दोनों के एनर्जीज में काफी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपके पार्टनर अब आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस कारण वर्ष बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम सॉर्ट ऑफ जेलसी एज वेल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इनकी ग्रोथ से काफी ज्यादा जेलस या कंपटीटिव एनर्जी भी फील करेंगे, या आपको ऐसा फील होगा कि जैसे इस व्यक्ति को कोई और मिल गया या कोई और अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया और ये आगे बढ़ गए। आप इस व्यक्ति को काफी डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि इनके पास दूसरे ऑप्शंस आ गए या इनकी ग्रोथ हो गई तो इन्होंने आपको फोकस करना बंद कर दिया। आप इस तरफ मुझे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को या इस रिलेशनशिप को दोबारा संभालने या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने करियर और फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस दें, जिसके कारण मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जरा भी बिजी हो जा रहे हैं, जरा भी ऑक्यूपाइड हो जा रहे हैं तो आप दोनों में कहीं ना कहीं ईगो क्रिएट हो जा रही है, दोनों ओल्ड बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप बेटर होने की जगह खराब हो जा रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर मिड ऑफ दिस ये वीक इस वीक के मिड वे आपको कॉन्टैक्ट कर ले, अचानक से बात करे। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू पर्सन आएंगे और काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर इनसिक्योर या बहुत ज्यादा गलत फहमियां पालेंगे, जिसपे वो एग्रेसिव हो जाएंगे, मूड स्विंग से गुजरेंगे और बिना वजह ही आपको गलत समझ लेंगे, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग जो है नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे या अपने पार्टनर की तरफ या आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन घेरता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप जहां से भी गुजरेंगे लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो कहीं ना कहीं आप जिस वे में अपने आप को फोकस कर रहे हैं, जिस वे में अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सक्षम हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके एक्स या नेक्स्ट हर तरीके से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान फाइनेंसेस, करियर और अपने कोल्ड बिहेवियर पे या ईगो पे इतना ज्यादा है कि आप अपने पार्टनर की वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं और आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको समझने में बहुत ज्यादा उलझन महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त फाइनेंसेस और करियर पे आपका ज्यादा ध्यान है, क्योंकि आप फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। किसी तरीके की डिस्टरबेंस मुझे एंड ऑफ वीक दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में आते हुए, जो फाइनेंशियल लेवल पे रहेगी, जो फाइनेंसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अचानक से कोई प्रॉब्लम आएगी, जिसपे आपको ये लगेगा कि शिट, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत लकी थी या लकी था और अचानक से इस व्यक्ति के जाने से कुछ चीजें बिगड़ गई हैं। आपको अचानक से कुछ वहम होने लगेंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे और इस व्यक्ति को वापस अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। इस व्यक्ति के कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लक फैक्टर आपके साथ में है, बट कहीं ना कहीं आप इनको अपने तरफ से इतना डिफरेंट बोलते ना अलग कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, इस तरीके की दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस और करियर के साथ साथ इस व्यक्ति के साथ मैनेज करके चले और पोलाइट रहने की कोशिश करें, वरना ये रिश्ता बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और बहुत तकलीफ से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में गलतफहमियां और ईगो इश्यूज होने के कारण दोनों ही एक दूसरे को ना समझते हुए एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो ये रिश्ता बहुत बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके प्रति क्या होंगे, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे August 1st to August 7th। नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द लवर्स, ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होंगे, काफी ज्यादा है आपसे फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद रखेंगे, ये आपको फैंटेसाइज बहुत ज्यादा करेंगे। इनको आपके लिए बहुत सारी रियलाइजेशन आएगी, जो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो,
इनको ऐसा लग सकता है कि आप शायद अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप अपनी जिंदगी में शायद आगे बढ़ चुके हैं, या आपकी जिंदगी में अनेकों और लोग हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं और ये कभी आपके लिए मायने रखते नहीं थे, या आपके बारे में फैंटेसाइज करेंगे, आपको फैंटेसाइज करके काफी ज्यादा इनके अंदर के अरमान जागेंगे, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी न्यू लाइफ पे आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपको इच्छा में रखेंगे कि काश आप उनकी जिंदगी में आ जाएं या वापस चीजें पहले जैसी बेहतर हो जाए, पर उनको कुछ भी बेहतर होता हुआ नहीं दिखेगा जिससे वो काफी ज्यादा हताश हो जाएंगे। जो बात करूं सिंगल्स की, तो स्कॉर्पियो राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अचानक से कुछ अच्छा कोई ऑफर आ सकता है जो कि आपको पसंद आए, लेकिन आप वहां पर मुझे काफी ज्यादा लंबा जाता हुआ नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा टाइम आप जो है चैटिंग डेटिंग वगैरह करेंगे फिर आप बैकआउट कर देंगे, क्योंकि फिलहाल आप अपने करियर और फाइनेंसिस पे ज्यादा ध्यान देने में इंटरेस्टेड है, आप अपने गोल्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो ये है स्कॉर्पियो राशि वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई स्कॉर्पियो राशि वालों तो मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर डाले, और साथ ही साथ कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी ब्रेसलेट के लिए अमित सर को कॉन्टेक्ट करें, ही इज द बेस्ट, वो आपको हमेशा अच्छा और बेहतरीन गाइड करेंगे। और उसके अलावा यस, अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में मैं किसी को भी मैसेज या रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरा फोटो यूज करके कोई मैसेज कर रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, उसे एंटरटेन करना बंद कर दें। ठीक है, और उसके अलावा मेरे और भी चैनल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक्स हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।